आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म सड़क 2 का ट्रेलर सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के गुस्से का शिकार हो गया। 12 अगस्त को रिलीज हुए इस ट्रेलर पर अब तक 5 मिलियन से ज्यादा डिसलाइक मिल चुके हैं, जो अब तक किसी वीडियो पर मिले डिसलाइक से ज्यादा हैं, और ये सिलसिला अभी तक जारी है। हालांकि सड़क 2 के इस ट्रेलर पर लोग नेगेटिव कमेंट्स भी कर रहे हैं। खैर, आलिया ने बॉलीवुड के माफिया करण जौहर के एक शो में कहा था कि वो सुशांत सिंह को नहीं जानती है। बहरहाल ऑडियंस ने बता दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत कौन था। एक कहावत है कि अहंकार तो रावण का भी नहीं टिकाता। खैर, तुम तो बॉलीवुड का नेपोटिज्म प्रोडक्ट हो। सुशांत सिंह की डेथ के बाद ही इंडियन ऑडियंस ने तय कर लिया था कि वे आलिया के आने वाली फिल्म का जोरदार विरोध करेंगे। खैर, ये सिलसिला तो चलता रहेगा। आइए बात करते हैं फिल्म का ट्रेलर कैसा है। फिल्म सड़क 2 का ट्रेलर भी संजय दत्त के संवाद से जरूर होता है। सुना था कि प्यार कचरे को भी सोना बना देता है, आज देख लिया। इस संवाद पर सीन 1991 में आई महेश भट्ट निर्देशित फिल्म सड़क का दिखता है और फिर आता है एक वॉइस ओवर, तू ऐसी मौत मरने के लिए नहीं है यार, जीना तो पड़ेगा। और ट्रेलर के साथ साथ चलने लगती है वे तस्वीरें जो पिछले कुछ दिनों से खबरों में और सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। चेहरे पर मास्क लगाए चक शर्ट पहने संजय दत्त, मंगलवार की रात ही खबर आई है कि उन्हें कैंसर हो गया है, वो भी 3rd स्टेज पर। यहाँ इस ट्रेलर में वो कह रहे हैं, जिसने मेरी जिंदगी को जिंदगी दी वो तो कब की गई, अब किसके लिए जीऊं। माहौल पूरा इमोशनल हो चुका है। अब कौन भला ऐसा दर्शक होगा जिसने संजय दत्त का सिनेमा देखा हो और वो ये फिल्म छोड़ दे। लेकिन फिल्म सड़क 2 को देखने की वजह अभी और भी है। इस फिल्म में उठने वाला है फेक गुरुओं का वो मुद्दा, जिसे प्रकाश झा भी अपनी सीरीज आश्रम में उठाने वाले हैं। लेकिन मामला सड़क 2 के फेवर में ज्यादा दिखता है। सड़क 2 के ट्रेलर में भले नो स्मोकिंग और नो किसी के स्टिकर टैक्सी में लगे दिखते हों, लेकिन साथ में पिंजड़े में बंद एक उल्लू की कहानी के तिलसम में थोड़ा लोवान का धुआं और मिलता है। फिर पिछली फिल्म सड़क की महारानी के किरदार की टक्कर का चरित्र निभाने दिखने वाले हैं अभिनेता मकरंद देशपांडे। फिल्म में एक बहुत ही मोहक मधुर गाने की लाइन भी सुनाई देती है, तारा तारा गिनके रातें बिताई, और मामला कुछ कुछ वैसा ही दिखता है जैसा महेश भट्ट को महेश भट्ट बनाने वाली फिल्मों में जमाने पहले दिखता रहा है। महेश भट्ट से उम्मीद भी ऐसी उनके जाने वालों को रही है। ट्रेलर ने मामला जमा दिया है, बस अब पिक्चर ही बाकी है जो रिलीज होगी 28 अगस्त को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तो गाइस, बॉलीवुड के लेटेस्ट रिपोर्ट्स, लेटेस्ट रिव्यूज, लेटेस्ट हिंदी रिव्यूज को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।